नमस्कार बच्चों, मैं निशांत कुमार। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन, गति के समीकरण। टॉपिक क्या है हमारा आज? आज का टॉपिक है गति के समीकरण। और देखिए, गति के समीकरणों को सिद्ध करके भी हम आपको बताएंगे। जो गति के समीकरण होते हैं वो तीन समीकरण होते हैं। नंबर एक, पहला है v बराबर u प्लस at। दूसरा समीकरण है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर या एक बटे दो at स्क्वायर। तीसरा समीकरण है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इतना क्लियर हो गया? देखिए, अब हम पहले वाले समीकरण को सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने से पहले हमें एक बात अवश्य आपको ध्यान होना चाहिए, सभी बच्चे देखें कि ये जो तीनों समीकरण गति के हैं, इसमें बी यू ए टी यू ए जो यूज हुए हैं, अच्छा ये अक्षर क्या इंडिकेट करते हैं, क्या प्रदर्शित करते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए, U क्या होता है, जहां यानी इन समीकरणों में U क्या है, V क्या है, T क्या है, लिख दे रहा हूं। U क्या है, किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग, किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग। V क्या है, किसी वस्तु का अंतिम वेग। किसी वस्तु का अंतिम वेग क्या है, समय। s दूरी, a त्वरण। देखना ये चीज हुई है, b हो गया, u हो गया, t हो गया, s हो गया, a हो गया, ठीक है ना? इतनी बात क्लियर हो गई। पहला समीकरण क्या है हमारा, b बराबर u प्लस at। दूसरा है s बराबर u प्लस हाफ at स्क्वायर। तीसरा है v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए, हम पहला वाला समीकरण सिद्ध करेंगे। देखिए, एक बात याद रखें, आज मैं समीकरण सिद्ध कर रहा हूं और इनको ग्राफी विधि से भी सिद्ध करूंगा। देखिए, इसको मैं रख कर दे रहा हूं, जो बच्चे नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। पहला वाला समीकरण क्या है, b इक्वल टू u प्लस at, यानी हमें इसे सिद्ध करना है। तो देखिए, हमने त्वरण पढ़ाया था आपको, त्वरण तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, मैंने पढ़ाया था कि नहीं? तो अब हमने मान लिया कि किसी वस्तु का, मैं लिख नहीं रहा, टाइम लगता है थोड़ा लिखने में, किसी वस्तु, कोई वस्तु गतिमान है। देखिए, ये समीकरण गति के हैं तो वस्तु गतिमानी तो होगी, बस देख समीकरण किसके गति के, तो कोई वस्तु गतिमान है और उस वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है, शुरुआत का जो वेग है वो u है। क्या है, u। और t समय बाद कोई वस्तु चल रही है। देखिए, एक बात और याद रखें कि हमें समय नहीं मालूम है तो t मान लेते हैं, प्रारंभिक वेग नहीं दिया है तो u मान लेते हैं, अंतिम वेग नहीं दिया तो b मान लेते हैं, दूरी s मान लेते हैं, त्वरण a मान लेते हैं। तो मान लिया कि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है u, और t समय बाद उस वस्तु का वेग कितना हो जाता है, अंतिम v, यानी अंतिम वेग भी हो जाता है। तो वेग परिवर्तन, वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हो तुम, कि a इक्वल यानी वेग परिवर्तन, तो v माइनस u यानी वेग परिवर्तन हो गया, वो बटे दर समय,
यानी वेग परिवर्तन की दर इक्वल टू क्या कहलाता है, त्वरण। तो ये बात हम जानते हैं कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो b माइनस u वेग परिवर्तन हो गया, t समय हो गया, तो वेग परिवर्तन बटे समय इक्वल टू पर होता है a। इसके नीचे एक मान लो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, b माइनस u इक्वल टू इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, at। अब u माइनस का इधर ले जाएंगे तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा u प्लस at। तो यही हमारा क्या गति का पहला समीकरण है, ये पहला समीकरण सिद्ध हो गया, काफी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा समीकरण देखेंगे, फिर मैं इनको ग्राफ की विधि से हल कराऊंगा, ठीक, नोट कर सकते हैं जो बच्चा नोट करना चाहे। नोट करने के लिए अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जिससे कि नोट कर लिया करो। दूसरा समीकरण है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसको सिद्ध करेंगे तो देखिए किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी, चली गई दूरी s इक्वल टू चार वर्ष, तो औसत चार कुल दूरी निकालते हैं इसे औसत चार, ठीक है ना, औसत चार दूरी बराबर चार वर्ष में होता है, औसत चार गुणा समय। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए s इक्वल टू औसत चार जो होगी तो क्या होगी, b प्लस u बटे दो और इनटू t, समय क्या है t। अब देखिए गति के प्रथम समीकरण से देखिए, गति का प्रथम समीकरण क्या था, v इक्वल टू u प्लस at। अब जो b इक्वल टू u प्लस at है वो b की जगह रख देंगे हम, तो देखो क्या हो जाएगा, s इक्वल टू b के स्थान पर क्या करेंगे, u प्लस at प्लस u और बटे क्या है दो और इनटू क्या है t। इतना समझ में आ रहा होगा, यानी जो औसत चार है इनटू t समय है, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, s इक्वल टू u और u कितना हो गया 2u प्लस at और बटे 2 और इनटू क्या है t। अब t का ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 2ut प्लस at स्क्वायर और बटे 2। अब 2 इसके भी नीचे है, इसके भी नीचे अलग अलग कर लेंगे तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 से तो कट जाएंगे यहां, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जो कि हमारा कौन सा समीकरण है, गति का दूसरा समीकरण। तो इस तरह से दो समीकरण मैंने सिद्ध कर दिए, कल की वीडियो में तीसरा समीकरण और ग्राफीय समीकरण को हल करेंगे। इतना समझ में आ गया होगा, नोट कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।